असला इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का आज छठा लेक्चर है उम्मीद है कि आपने पिछले पांच लेक्चर्स को देख लिया होगा और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने हैं उनको भी आपने देखा होगा जो किताबें मैंने आपको रिकमेंड की थी उम्मीद है वो आपने हासिल कर ली होगी और कुछ उसको पढ़ने की कोशिश भी की होगी आज छठा लेक्चर है इस छठे लेक्चर में हम क्या करेंगे वो तो आपको मालूम ही है लेकिन फिर भी मैं उसकी आपको हाइलाइट्स दे दूंगी आज हम जो थियोरीज पढ़ेंगे वो दो हैं पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल व्यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट साइंस पावर और पॉलिटिक्स स्कूल इज वन ऑफ द थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट इट इज वन ऑफ द वे ऑफ लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल आर हेरल्ड लेस्वर रॉबर्ट डैल एंटनी जे वैसे तो बहुत से ऑथर्स ने और थियोरिस्ट ने पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल में की थियोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए और डेवलप करने के लिए बहुत सा कंट्रीब्यूट किया लेकिन ये तीन लोग जो हैं इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं स्लाइड पर आप ये भी देख रहे हैं कि एंटनी जे के आगे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है ही री इंट्रोड्यूस्ड द मैकेवेलियंस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मैकेवेली एक गेन ऑथर uh, था जिसने एक मशहूर किताब लिखी है द प्रिंस इसमें इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि लीडर्स या किंग्स या स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन से तरीके अपनाएं जो कि उनको पावर में रहने के लिए जरूरी हैं। आज पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि पावर क्या है पावर की जो डेफिनेशन है अब आपको अगर ये वर्ड अंग्रेजी में इसको इस्तेमाल करें और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकलेगा कुत से मतलब होगा क़वत कितनी है फोर्स की सेंस में भी यूज होगा लेकिन ये फिजिकल फोर्स की बात नहीं हो रही है ये वो इंसानी कवत है जो उसको किसी जरिए से हासिल होती है या ये वो कुत है जिससे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बात पे मजबूर करते हो या परसुएड करते हो कि वो वो काम करें जो के वो चाहते हैं यानी मैनेजर्स या लीडर्स चाहते हैं सो इट इज डिफाइंड एज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट अनदर पर्सन यानी एक शख्स दूसरे शख्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है उस पे असर असरअंदाज हो सकता है या उस पर उसको डामिनेट कर सकता है ये एक पावर की बेसिक डेफिनेशन है यानी अगर पर्सनल पावर के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए दूसरी डेफिनेशन जो है वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है यानी पावर इन ऑर्गेनाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू इन्फ्लुंस अदर पीपल और डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर रिजल्ट यानि ये वो कवत है ये वो असर है किसी शख्स के पास जो या ऑर्गेनाइजेशन में वो इस्तेमाल करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स पे जिसमें वो उस तरह से काम करे जैसा कि वो चाहता है यानी वो हुक्म जो है इसको दूसरे अगर अंदाज में इसी बात को कहा जाए तो यूं होगा कि ये हुक्म की तामील लाना यानी वो वो शख्स जो हुक्म देता है और वो शख्स जो हुक्म के ऊपर अमल करता है इसको इस सेंस में पावर को इस्तेमाल किया गया यानी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम ये हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन की एक हरार की होती है उसकी पिरामिड की शक्ल हम की सेंस में हमने उसको डिफाइन किया था यानी टॉप से बॉटम टॉप से मिडिल लेवल और मिडिल से बॉटम लेवल पे जो एहकाम ऑर्डर्स या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शनज मैनेजर्स वक्ता फवक्ता देते रहते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि वो उस पर अमल करें हर ऑर्गेनाइजेशन्स में कुछ यानि पावर जो है वो ऑर्गेनाइजेश में फ्लो करती है फ्राम टॉप टू बॉटम ये एक पहला कॉन्सेप्ट है पावर का दूसरी चीज जो हम यहां समझना चाहेंगे इस स्कूल के जो पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल है वो वर्ड पॉलिटिक्स है अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें डायरेक्टली तो इसका मतलब होगा सियासत यानी इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये वो सियासत है जो पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत है उस पैराये में भी इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहां पर हम जिस सेंस में इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इसकी एक डेफिनेशन है यानी वो जरिया जिससे लोगों के पास एक जराए होते हैं यानी दे हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज जैसा कि आप स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज और रिसोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं ये वो रिसोर्सेज हो सकती हैं जो मटीरियल हैं जो ह्यूमन हैं, जो फाइनेंशियल हैं और इन्फॉर्मेशन जो भी शख्स ऑर्गेनाइजेशन में इन तमाम चीजों के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा या इनमें से किसी एक चीज पर उसका कंट्रोल होगा वो उसके पास एक कुत है दूसरी डेफिनेशन जो इसी स्लाइड में बताई गई है वो ये है कि इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स यानी ये रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड होती यानी हु गेट्स वट हाउ वन तो ये एक बड़ी बुनियादी डेफिनेशन हेरल लेजल ने 1936 में दी थी अब आप देखेंगे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से निकल के सोसाइटी में आ जाएं, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ वसायल जो होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के पास कम या ज्यादा होते हैं अगर हम सिंपल सी मिसाल लें कि दौलत माशरे में कुछ लोगों के पास ज्यादा है कुछ के पास कम है और कुछ के पास दरमियानी है यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो दौलत अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसी तरह से और मटीरियल वसाइल जो हैं घर को ले लें या किसी के पास ट्रांसपोर्ट है वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट हो सकती है तो ये किस तरह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या कौन उन रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है दैट इज अबाउट पॉलिटिक्स अब हम आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये पॉलिटिक्स कैसे है आप देखिए कि मुख्तलिफ लोग पोलिटिकल पार्टीज कह लें अगर हम सोसाइटी में देखें तो आप देखें कि कुछ लोग अपना असरो रसूख बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे चलकर हम दिखाएंगे कि मुख्तलिफ असर रसूख के जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं और लोग किस तरह से मुख्तलफ असर रसूख इस्तेमाल करते हैं यहां पर हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए आमतौर पे सियासत को बहुत ही नेगेटिव सेंस में यानी इसका मनफी जो है माने निकलते हैं मुस्बत माने नहीं निकलते क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं बहुत गलत जराए इस्तेमाल करके वसाइल पर कब्जा कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं इसीलिए हमारे जहन में जब वर्ड पॉलिटिक्स आता है तो हम उसको एक मनफी अंदाज में देखते हैं और मुस्बत अंदाज में नहीं देखते पावर को सिनानसली अथॉरिटी के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है अथॉरिटी कहाँ से आती है ये हमने आप अगर रिकॉल करें मैंने अपने एक पिछले लेक्चर्स में जब हम मैक्स वेबर्स ब्यूरोसी की बात कर रहे थे तो मैंने ये आपको बताया था कि वेबर ने तीन किस्म की अथॉरिटी का जिक्र किया है यानी उसने कहा है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी है लीगल रैशनल अथॉरिटी है और कैरिजमेटिक अथॉरिटी है और हमने ये भी बात कही थी कि अथॉरिटी जो है किसी शख्स को जब वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो कहाँ से आती है दैट पर्सन डिराइज अथॉरिटी फ्रॉम द पोजिशन दैट पर्सन इज होल्डिंग और पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल जो है वो अथॉरिटी को उसी सेंस में इस्तेमाल करता है और एंड दिस पर्टिकुलर स्कूल सेज

उसके पास एक अथॉरिटी होगी अथॉरिटी तो उसको लीगल रैशनल यानी उस ऑफिस को होल्ड करने उस ऑफिस की वजह से उसको वो अथॉरिटी हासिल होगी लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग उसकी बात को मजबूरी के तहत तो इस बात को लोग जरूर उसके हुक्म को मानेंगे लेकिन ये मुमकिन है कि उसको कोई और तरीका भी इस्तेमाल करना पड़े अपनी बात मनवाने का तो पावर और पॉलिटिक्स स्कूल जो है वो अथॉरिटी को एक एक डायमेंशन समझता है इट्स वन ऑफ़ दी अवेलेबल सोर्सेज जहाँ से मैनेजर uh, जो है अथॉरिटी डिराइव करते हैं तो और ये पावर और पॉलिटिक्स स्कूल के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो उसको uh, कहते हैं कि दे यूज़ इट्स अनोनमसली और इन अदर वर्ड्स दे यूज़ इट इंटरचेंजबली यानी पावर अथॉरिटी को वो एक ही माने में इस्तेमाल करते हैं अब आप इस स्लाइड में देखें कि अब जो पावर एक ऐसी चीज है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये पिरामिड आप स्लाइड में देख रहे हैं और इस पिरामिड में आपको टॉप मिडल और बॉटम तीनों लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन की दिखाई हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो पिरामिड आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड के ऊपर इसमें ये एक ब्यूरोक्रेटिक पिरामिड है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है यानी इट इज हेरार्किकल ये तो बात मैंने पहले भी कही थी लेकिन इसको मैं दोहराऊं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो आपको ब्यूरोसी की डेफिनेशन तो अब तक बिल्कुल जहन नशीन हो जानी चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसमें हमने मैक्स वेबर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो ये है कि इट हैज गॉट हेराकिल स्ट्रक्चर इट हैज़ गॉट डॉक्यूमेंटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इट हैज ए करियर पैटर्न ओनरशिप इज डिवाइडेड फ्राम द मैनेजीरियल प्रोफेशन सो ये इसकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी तरह से जब हम पावर और पॉलिटिक्स जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर का, का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो अवेलेबिलिटी uh, कह लें या उसको जो आप महसूस करते हैं इट इज इन ऑल डायरेक्शन इसका मतलब कहने का यहां पर यह है कि इसको आप वर्टिकली भी देख सकते हैं पावर सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा था कि टॉप टू बॉटम भी फ्लो कर सकती है जब सीनियर uh, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के निचले लेवल के लोग जो हैं उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई करते हैं लेकिन बॉटम टू टॉप भी ये पावर जो है वो फ्लो कर सकती है किस तरह से कर सकती है इसकी मिसाल यहां पर ये यह होगी कि जब यूनियन या हमने बात की थी जिक्र किया था एसोसिएशन जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की एसोसिएशन हो सकती हैं डिफरेंट लेवल के लोग जो काम करें वो एसोसिएशन बना सकते हैं वर्कर्स जो हैं वो यूनियन बना सकते हैं तो जब वो कलेक्टिवली किसी मकसद के लिए लेट्स से के अपनी वो सैलरीज और वेजेस इंक्रीज करने के लिए अगर वो टॉप लेवल पर आ, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं तो वो पावर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पावर उन्हें उनकी पोजीशन से नहीं आई है दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए पावर डेट दे हैव लिहाजा पावर जो है वो एक ऐसी चीज़ है इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन फ्लो लेटरली जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिडिल लेवल पे अगर है तो मिडिल लेवल पे दोज हु नो ईच अदर मिडिल लेवल के मैनेजर्स जो हैं वो भी अपना असर व रसूख यानी पावर को यहाँ पे अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें क़वत के बजाय असरो रसूख कहें तो वो ज्यादा होगा कि वो अपना असर व रसूख जो है वो लेटरली भी इस्तेमाल करते हैं हर लेवल के ऊपर टॉप पे जो लोग हैं वो भी अपना असर रसूख जो है लेटरली इस्तेमाल करते हैं और वर्टिकली इस्तेमाल करते हैं लेटरली कह लें या हॉरिजॉन्टली कह लें ये एक ही बात है वो तो पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन में इट प्रिवेल्स इन ऑल डायरेक्शन राइट एज यू सी इट इट इज एम्ड इन ऑल डायरेक्शन एवरीबडी इज ट्राइंग टू एग्जर्ट सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पावर जो है इसकी बहुत सी किस्में हैं और हम चंद एक किस्मों को यहां पर देखेंगे इस स्लाइड पे आपको चार किस्म की पावर दिखाई गई हैं उनको हम पहले देखते हैं ये चार कौन सी किस्में हैं और उसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या मतलब है जो है पहली किस्म है लेजिटमेट पावर ये लेजिटमेट पावर दूसरी इसकी पावर की जो टाइपोलॉजी है वो है रिवॉर्ड पनिशमेंट पावर तीसरी इसकी किस्म है एक्सपर्ट पावर और चौथी इसकी किस्म है रेफरेंट पावर अब लेजिटिमेट पावर क्या होती है लेजिटिमेसी किसको कहते हैं लेजिटिमेसी ओरिजिनेट अगर वेबर की सेंस में हम इसको अंडरस्टैंड uh, करें और देखें तो उस सेंस में लेजिटिमेसी का मतलब है द पर्सन हु इज होल्डिंग ए पर्टिकुलर पोजिशन हैज ए लेजिटिमेट पावर नव हमने कहा था कि अथॉरिटी की सेंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप इस स्लाइड पर देखिए कि इट इज अथॉरिटी गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द फॉर्मल मैनेजमेंट पोजिशन इन मैनेजर होल्ड लेजिटिमेट पावर है दैट द इंडिविजुअल डिराइव द पावर फ्रॉम द पोजिशन दैट वन इज होल्डिंग इफ समबडडी इज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन दर्गेनाइजेशन ही इज इन ए पोजिशन He, uh, he or she is authorized to give leave, he or she is authorized to provide training to the individuals in the organization because that is what is demanded of the position of the human resource manager in the organization. Many chandek misale in slide pardi hai ki legitimate power kya hai. और लेजिटिमेट पावर यहां पर एक मिसाल दी है पावर ऑफ डी सी ओ आजकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या सिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं So, which comes because of that person is holding the position in that office is a legitimate power. Similarly, Nazim derive their power from the votes that they get from the public because they are political figureheads and they have the legitimate power to design programs and projects for the district. Or for the city. So, they derive their power from the vote from the people, and if people elect them, they give them this authority that they are going to implement such projects, such programs. For example, what could be those programs? Those programs could be uh, establishing uh, schools at the district level, because that is what people want they would like that they should have uh, the people would like to have cleaner cities a cleaner district therefore that is also the uh, in the ambit of the authority of a nazim uh, to uh, to keep the cities clean Tisri maine legitimate power ki a police person a police person is a person who has the authority or who has the power to maintain लॉ और टू लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी और टू मेंटेन पीस इन द सिटी यानी लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल आर सिक्योर सो उसके पास ये पावर है आगे चल के हम देखेंगे कि यह पावर जो है वो ओवरलैप भी करती हैं दूसरी जो किस्म है पावर की वो है दबिलिटी टू तो रिवॉर्ड और पनिश अगर आप इसको स्लाइड इस पर देखें Though this power stems from the ability to bestow rewards that is to give rewards which include benefits like food allowances overtime cash allowance and other fringe benefits yani organizational context me agar reward yani kisi ko aap kuch de cash ya kind ya punish kar because the behavior was not in line with what was demanded or expected

ये भी एक हो सकता है कि उनको कैश अवार्ड दे दिया जाए बिकॉज ऑफ देयर गुड परफॉर्मेंस इफ समबडी हैज गिवन द डिजायर्ड आउटपुट दैट दी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्राम देट इंडिविजुअल दैट इंडिविजुअल कैन बी गिवन ए कैश अवार्ड इसी तरह से फ्रेंच बेनिफिट्स भी हो सकते हैं वो भी एक किस्म का रिवॉर्ड होते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स किनको कहते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो तनख के अलावा होते हैं इसमें शामिल होती हैं वो वो अलाउंसिस जैसे आपको टेलीफोन की फैसिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है इन एडिशन टू दी सैलरी वेजेस एंड सैलरी दीज आर फ्रेंच बेनिफिट्स। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को मजीद देखें कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो पावर है वो क्या है और इसकी अहमियत क्या है और वह क्यों इस्तेमाल की जाती है तो हम यू इसको देख सकते हैं कि अगर जैसे मैंने मिसाल भी दी है कि जो एडल्ट्स होते हैं वो बच्चों को पनिश कर सकते हैं या रिवॉर्ड कर सकते हैं तो एडल्ट्स रिवॉर्ड क्यों देते हैं बच्चों को यानी जब ओबीडियंस है या कम्प्लायंस है तो द बिहेवियर इज रिवॉर्डेड अगर कंप्लायंस नहीं है डिस है तो द चाइल्ड विल बी पनिश्ड अब पनिशमेंट जरूरी नहीं है कि फिजिकल पनिशमेंट हो उसकी पनिशमेंट की बहुत सी मिसालें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि आपने चूंकि उस आउटपुट जो आपको कहा गया है आप दें आप वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं और आप आ, उससे कम दे रहे हैं तो जो आपके लिए कैश अवार्ड कोई रखा है या कोई और बेनिफिट रखा है वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको ये कहा जाएगा कि ये किस्म की न्यूट्रल पनिशमेंट कहलाएगी यानी आपको आपको सैलरी मिलेगी आपकी किसी चीज में कमी नहीं होगी लेकिन आपको एडिशनल चीज नहीं मिलेगी तो ये भी एक किस्म की पनिशमेंट होती है पनिशमेंट और ये भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आपके वर्किंग आवर्स फ्रॉम एट टू लेट से फोर ओ क्लाक और आपने आउटपुट जो है अभी अपना नहीं आ, दिया जितना कि या आपको जो काम या जॉब असाइन किया था वो आपने कम्पलीट नहीं किया तो आपको ये कहा जाएगा यू सेट एक्स्ट्रा टाइम मे बी यू आर विल नॉट बी अलाउड टू लीव योर ऑफिस एट फोर ओ क्लॉक मे बी यू हैव टू लीव इट एट सिक्स ओ क्लॉक इट कुड बी एट इट कुड बी नाइन सो दिस इज एन अगेन ए काइंड ऑफ ए कुड बी ए काइंड ऑफ ए पनिशमेंट तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो पावर है जो मैनेजर्स में आ, के पास अख्तियार है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बिहेवियर जिसको यूं कह लें कि वो बिहेवियर जो डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड है उसकी उसमें कंप्लायंस क्रिएट कर सकते हैं यानी दे कैन यूज दिस पावर टू क्रिएट कम्पलायंस इन वर्कर्स और इन पीपल वर्किंग इन इन दबॉर्डिनेट्स तो इस सेंस में पावर और रिवार्ड की को इस्तेमाल सॉरी इस सेंस में रिवार्ड और पनिशमेंट को इस्तेमाल किया जाता है थर्ड टाइप ऑफ पावर जो है उसको एक्सपर्ट पावर कहते हैं नाउ एक्सपर्ट पावर क्या है प्रोफेशनल्स जो बहुत स्किल्ड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं अपने काम में उनकी उनके पास एक पावर है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज द पावर पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस सम स्किल्स एंड एबिलिटी ये एक एक्सपर्ट पावर की डेफिनेशन है और आपको एग्जाम्पल्स जो इसी स्लाइड पर दी हुई हैं वो दो एग्जाम्पल्स दी है एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर आप ये सवाल करें कि एक्सपर्टनेस में पावर है तो इसका जवाब सिंपल सा है कि बहुत पावर है यानी जिस शख्स के पास ये स्किल मौजूद है कि वो एक अच्छा हार्ट सर्जन है तो लोगों की प्रेफरेंस ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके पास जाएं या अपना जो सर्जरी करवानी है वो उससे करवाएं तो वो उसकी एक्सपर्ट पावर है ना इस पावर को वो इस्तेमाल कर सकता है इस सेंस में कि या तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकता है या ये भी हो सकता है कि वो अपनी कीमत जो है उसको बढ़ा लें तो एक्सपर्ट पावर जो है यानी लोग इस इस क़वत को इस पावर को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो किसी सब्जेक्ट में या किसी एरिया में स्पेषलाइज करते हैं तो एक्सपर्ट पावर अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें वो जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं यानी जो कंप्यूटर का स्पेषलिस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन में है और वो ही जानता है कि कंप्यूटर में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है और जो इस चीज पे महारत नहीं रखते तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है यानी आप यूं कह लें कि अगर वो अच्छी सेंस में उसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है और अगर वो ना उस अपनी एक्सपर्ट पावर को शेयर करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उसको आ, ंडरेंस भी क्रिएट हो सकती है यानी उसमें ये अप, उसमें यूं कह लीजिए कि वो लोगों को हेल्पफुल नहीं होगा और वो ये कोशिश करेगा अवॉइड करेगा कि वो हेल्प ना करे सो so, दोनों तरीके से ये इस पावर का ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकता है रेफरेंट पावर क्या है ये वो पावर है विच ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज फाइंडिंग वेज ऑफ यूजिंग द इफेक्टिव एंड सुटेबल वे ऑफ यूटिलाईजिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ रिप्यूटेबल मैनेजर्स एज फार एज एम्प्लॉय रेफरल्स आर कंसर्न यानि इसको आप यूं कहें कि आप किसी के पास आपका रेफरेंस है रेफरेंस उस सेंस में आपको हम कहेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपके पास किसी ऐसे शख्स का रेफरेंस है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना असरो रसूख रखता है या ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको जानते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपके पास एक रेफरल पावर है आपने डिराइव की है ये पावर बिकॉज यू आर एसोसिएटेड थ्रू ए रेफरेंस टू एन इंडिविजअल और टू ए ग्रुप यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप मे बी यू बिलोंग टू अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाए पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बार दफ़ा जो बिरादरी होती है वो एक बिकम्स ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेफरेंस और जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज़ द पर्सन बिलोंग्स टू दरदरी सेम क्लान और सेम ट्राइब वो इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि हाँ इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए सो so, या ये भी हो सकता है कि अगर आप मैनेजर हैं और आपके जो एम्प्लॉय हैं वो उसी क्लान या ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप उस चीज उस पावर को उस रेफरेंस पावर को क्लैन की रेफरेंस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज में वो डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो क्रिएट करें जो आप चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए अब अगर क्वेश्चन रिसोर्सेज का है तो एक चीज आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जहां पे पावर और पॉलिटिक्स आती हैं वहां पे एक चीज आती है जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लोज इंटरक्शन ऑफ पीपल यू समझिए कि जब लोग रोजाना ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं तो हर इंडिविजुअल जो है वो एक राय रखता है चीजों के बारे में राय के ये काम कैसे किया जाए ये राय भी हो सकती है मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में लेट से किसी पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एडवरटाइज किया है और मिसाल के तौर पे एप्लीकेंट्स जो हैं वो दस एप्लीकेंट्स आए हैं अब दस एप्लीकेंट्स में से ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन जिसके लिए एडवरटाइज किया है वो एक पोजीशन है अब दस लोगों ने अप्लाई किया है और ये भी होता है इस सूरत में कि आप कहते हैं कि आप पहले शॉर्ट लिस्ट कर लें इन दस लोगों में से आप पांच लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे अब पांच लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें मिसाल के तौर पे तीन या चार मैनेजर्स बैठते हैं जो कि उस इंडिविजुअल का इंटरव्यू करेंगे अब यह एंड मुमकिन है कि एक मैनेजर जो है वो ये रिकमेंड करे कि मिस्टर ए को इस पोजिशन पे हम सेलेक्ट करते हैं और ये एन मुमकिन है कि जो दूसरा मैनेजर है या बाकी मैनेजर्स हैं वो ये कहें कि हम बी को इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना इसका मतलब है कि राय दो लोगों की मुख्तलिफ राय यानी यहां पर खिंचाव हो गया यहां पे वैल्यूएशन में एक एक तरह की टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई तो कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक यू नो पीपन देर इज ए डिसएग्रीमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डिसीजन और ये एन मुमकिन है कि ये इसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट की लेकिन इस मिसाल में जिसमें मैंने आपको जो आपको दी है और इस सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इस मिसाल में कॉन्फ्लिक्ट यूं हो सकता है कि किसी ने उस इंडिविजुअल की सिर्फ काबलियत को एस या एवेल्यूएट किया है और यह भी मुमकिन है कि दूसरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने उसकी जिस चीज के ऊपर तोजो दी है वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है उन्होंने उसमें यह भी जज करने की कोशिश की है कि आया वो इंडिविजुअल एक विलिंग वर्कर होगा या नहीं तो दोनों चीजें अहम हैं इस फैसले को करने के लिए कि क्वालिफिकेशन भी हो और विलिंग वर्कर भी हो अगर इन दोनों चीजों में से एक चीज नहीं है तो शायद फैसला करना मुश्किल हो लेकिन कुछ लोग इस चीज को अहमियत देते हैं कि अगर एक शख्स काम को इतना नहीं जानता लेकिन वो विलिंग वर्कर है तो वो शायद जब ऑर्गेनाइजेशन में आए अपनी विलिंगनेस से अपने काम को भी सीख ले बहरहाल इस मिसाल से ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी वजह से भी पैदा हो सकता है और जहां पे पावर एंड पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग होती है वहां पे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट जरूर पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट इस लिहाज से जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विल यूज पावर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी टू हैंडल देयर डिफरेंसेज एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्टनि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा जो एबिलिटी है लोगों की टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट राइट इज व्हाट कम्स इनटू इंटरप्ले इज दी एबिलिटी हाउ टैक्टफुल और पॉलिटिकल यू आर हाउ यू यूज योर वेरियस एबिलिटीज एंड हाउ पावरफुल यू आर मिसाल जो हमने अभी पहले दी अगर इसी मिसाल को हम फर्दर uh, uh, इस कॉन्टेक्सट में एक्सप्लेन करें तो हमें यूं पता चलेगा कि अगर तो वो दोनों मैनेजर्स ए और बी जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना है वो उसको रिजोल्व कर लेते हैं तो किसी वजह से लेट्स से जो मैनेजर एक मैनेजर है वो दैट पर्सन अंडरस्टैंड के दूसरा मैनेजर जो है वो क्या कह रहा है लेकिन वो अपनी बात को ज्यादा अहमियत देता है तो वो कहेगा कि इसके मुख्तलिफ यानी ऑप्शंस हो सकते हैं एक तो ये है कि शायद लोग आ, अपनी पावर को इस्तेमाल करें ये भी हो सकता है कि फैसले को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए उसी वक्त फैसला ना किया जाए ये भी एक तरीका हो सकता है और ये भी वो मैनेजर कर सकता है कि आपस में उस दूसरे मैनेजर से जिसका उसका कॉन्फ्लिक्ट है ऑन द सलेक्शन ऑफ द पर्सन वो उसके साथ मजीद निगोशिएट या डिस्कस कर ले और उस डिस्कशन में वो ये इस बात को एक्सप्लेन करे कि क्वालिफिकेशंस जो हैं वो ज्यादा अहमियत रखती हैं बनस्बत उसके विलिंगनेस टू वर्क तो ये इन दोनों मैनेजर्स की एबिलिटी टू कन्वेंस कन्विंस अदर पर्सन आयर थ्रू दर थ्रू देर पावर और दे कैन कन्विंस द अदर पर्सन थ्रू देयर एबिलिटी ऑफ हाउ मच वन मैनेजर हैज़ गोट मोर अथॉरिटी टू डिसाइड राइट हैज गोट मोर पावर हो सकता है कि उनमें से एक मैनेजर जो है वो ज्यादा सीनियर है और दूसरा मैनेजर जो वो इतना सीनियर नहीं है लिहाजा जो कम सीनियर है वो सीनियर की आ, बात को जो है वो मान लेगा सो दैट इज पॉलिटिक्स यानी उसके पास ही अथॉरिटी है कि ही इज द ही इज द डिसाइडिंग पर्सन सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना वी फर्दर मूव ऑन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि हमने इसी मिसाल में देखा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है यानी उसके नेगेटिव पहलू भी हैं और उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं तो उसके पॉजिटिव पहलू क्या है कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन हाउ कैन इट बी पॉजिटिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन आप ये कहेंगे कि जहां तो टेंशन हो गई वक्त जया करेंगे लोग बहस में पड़ जाएंगे लोग एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ये बातें तो होंगी जरूर लेकिन इसमें जो चीज आप जिसको आप देखेंगे इसके पॉजिटिव पहलू ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टेटस को, को चैलेंज करता है यानी एक चीजें जो एक लंबे अरसे से एक ही तरीके से चलती आ रही हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेटस को यानी वो हालात जो जिनमें यकसानियत सी पैदा हो चुकी है और लोग एक तवील अरसे तक उसी यकसानियत पर या उसी डगर पे चल रहे हैं तो कोई दूसरा शख्स जब आके उस यकसानियत को चैलेंज करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है बट इट हैज पॉजिटिव एलिमेंट मिसाल के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन में काफी अरसे से क्वालिफिकेशंस ऑफ द एम्प्लॉज जो हैं वो रिव्यू नहीं किया गया अब इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि एक जमाना था कि सिर्फ टाइपिस्ट्स जो हैं टाइपिंग मशीन के ऊपर काम किया करते थे लेकिन कम्प्यूटर्स के आने से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन uh, की एनवायरनमेंट्स जो है वो यहां पर चेंज हो गई उसमें एक तब्दीली आई अब टाइपिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन आज से दस साल पहले थी कि टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए डिक्टेशन लेने में इतनी स्पीड होनी चाहिए और उसके पास लेट्स से एफए की सनद होनी चाहिए तो वो क्वालिफिकेशंस उस वक्त के लिए ठीक थी लेकिन बदलते हुए हालात में अगर उन्ही क्वालिफिकेशंस को रखा जाए कि टाइपिस्ट की क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो आज से दस साल पहले थी तो शायद आज के कंप्यूटर के दौर में ये क्वालिफिकेशंस जो हैं वो रिडनडेंट हो चुकी होंगी लेकिन एन मुमकिन है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हों जिन्होंने इस चीज़ पे गौर ही ना किया हो और टाइपिस्ट की क्वालिफिकेशन्स को वही रखा हो जो आज से दस साल पहले हों एन मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स आए और वो इस चीज को चैलेंज करे कि आप अपने रूल्स में क्वालिफिकेशन और दाइप दे मस्ट बी चेंज्ड। सो दिस इज ए पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी मिसाल है लेकिन इस तरह की आपको ऑर्गेनाइजेशन में और डेली लाइफ में बहुत सी मिलेंगी कि कॉन्फ्लिक्ट के कुछ मुस्बत पहलू भी होते हैं अगर हम एग्जिस्ट स्टेट को चैलेंज ना करें तो उसमें तब्दीली लाने के इम्कान जो है वो कम हो जाते हैं लेकिन जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट एक हद से तजावज कर जाए एक हद से ज्यादा बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन में और इस हद तक बढ़ जाए कि लोगों में इतनी नाराजगिया पैदा हो जाए कि वो जो काम उनका रूटीन का काम है वो भी सफर करने लगे यानी वो असरअंदाज होने लगे वो कॉन्फ्लिक्ट तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काम के ऊपर एक तवील अरसे तक असरअंदाज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज हैं जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हासिल नहीं कर सकती तो कॉन्फ्लिक्ट जहां पर उसके एक मिसबत पहलू हैं वहां पे उसके मनफी पहलू हैं और वो ये हैं ऑल द वर्क इन दर्गेनाइजेशन एट स्टैंड स्टिल nobody will work if the conflict reaches that level so it is the duty of the managers those who are uh, in important position in the position of authority in the position of power to resolve that conflict now how do managers respond to this situation how do they react how do they respond to this situation of conflict most managers have a negative view towards politics and they believe that politics will do more harm to the organization than help an organization in achieving its goals. Managers do not like this conflict for a long, for a very long time. As a matter of fact, managers do not like conflict at all. Let me uh, explain to you here that most of the organizations whether they are in the public sector or in the private sector these organizations are bureaucratic bureaucratic these are hierarchical these have got formal structures and these have set of rules and everybody it is also human nature that if we, ha if we, are, we, are, we get quite used to we doing the same kind of a work in a same manner मिसाल के तौर पे आ, अगर हम अपनी रूटीन इंडिविजुअल रूटीन्स को देखें अगर हमें ये आदत पड़ गई है कि हम देर से उठें और सुबह हम जल्दी ना उठें और हमें अब इस चीज में तब्दीली लानी है तो हमारे अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और हमें अगर कोई जल्दी उठने को कहे अगर पेरेंट्स जल्दी उठने को कहें तो ये बड़ी मुश्किल चीज लगती है लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर है कि आपने वाकई जल्दी उठना है अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल कॉलेज से लेट हो जाएंगे दफ्तर से लेट हो जाएंगे या अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो वहां पर आप लेट हो जाएंगे तो अपनी आदत को बदलने के लिए इसी तरह से वर्क सिचुएशन है वर्क सिचुएशन में अगर हमें एक टाइपिस्ट को टाइपिंग मशीन पे काम करने की आदत हो गई है तो जब उसको ये कहा जाएगा कि आप कंप्यूटर पे काम करें तो उसको इस चीज़ पे मुश्किल पेश आएगी यानी दूसरा टूल इस्तेमाल करने में दिक्कत पेश आएगी तो लिहाजा इस सेंस में मैनेजर्स को जो है तौर पे और इंसान को तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिक्स है जहां पर तब्दीली लानी है क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग डिमांडिंग होते हैं लोगों को अपने राइट्स का पता होता है और वो चाहते हैं या ये भी चाहते हैं क्रिएटिव लोग ऑर्गेनाइजेशन में कि चीज़ों को जरा مختلف انداز से किया जाए तो वहां पर इस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट होता है और मैनेजर्स जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि कोई चीज डगर से हटके की जाए लिहाजा जब डगर से हटके करना पड़ती है या कहा जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो देअर रिस्पॉन्स इज वेरी नेगेटिव टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिंक दैट कॉन्फ्लिक्ट इज मोर हर्टफुल टू दर्गेनाइजेशन इसके अलावा जो मैनेजर्स uh, जिस चीज के ऊपर तवज्जो देते हैं और उनकी इस चीज में यकीन है कि जो पॉलिटिक्स है अगरचे ऑर्गेनाइजेशन में यह एक एक अहम पहलू है इसका कि देर इज पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन हावर दे बिलीव दैट पॉलिटिकल बिहेवियर इज कॉमन टू प्रैक्टिकली ऑल पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट मैनेजर्स थिंक पोलिटिकल बिहेवियर अकर्स मोर ऑफन एट अपर रादर देन लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ये उनका ख्याल है कि पॉलिटिक्स तो खैर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है और अच्छी पॉलिटिक्स भी होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने कोई अच्छी तब्दीली लानी है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट है और आपके उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी हैं तो उसमें आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल बिहेवियर के अच्छे पहलू हैं लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो ज्यादातर प्रिवेल करता है एट द टॉप लेवल लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल पे ही नहीं होता ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर भी होता है और वो पोलिटिकल बिहेवियर की मिसाल मैंने आपको पहले दी कि जब लोअर लेवल एम्प्लॉज जो हैं वो यूनियन बनाते हैं और यूनियन एक कलेक्टिव डिमांड्स होती हैं वर्कर्स की कि उन्हें बेहतर वर्किंग फेसिलिटी चाहिए या उनके वेजेस और सैलरी को बढ़ाया जाए या उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो अगर बहुत तवील हैं यानी वो 10 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे रहते हैं किसी भी वजह से उनको कट डाउन किया जाए तो ये तमाम चीज़ें किससे डील करती हैं रिसोर्स uh, uh, से सॉरी रिसोर्स से डील करती हैं कि इन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड दिज एग्जर्ट प्रेशर ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन तो यूं कहा जाए कि सिर्फ टॉप लेवल पर ही पॉलिटिक्स होती है तो ये इतना मुनासिब नहीं होगा पॉलिटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर होती है लेकिन देखना यह है कि क्या ये पॉलिटिक्स मुस्बत है या मनफी है क्या ये पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स या उस जिस मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसको हासिल करने में हेल्प करती हैं या हिंडरेंस क्रिएट करती है ये चीजें जो हैं वो उनको एनालाइज करने की जरूरत है ह्यूमन बीइंग्स जहां पर भी होंगे पॉलिटिकल बिहेवियर होगा फेरल और पैटरसन ने नाइनटीन में थ्री डायमेंशनल टाइपोलॉजी ऑफ understanding political behavior in organization uh, he provided three dimension typology uh, of political behavior in organization the three dimensional political behavior in organization is as follows it says that from where the political activity takes place whether the political activity takes place from within the organization or from outside the organization 2. The second dimension in this is the direction of influence is vertically or laterally in the organization. And third is the legitimacy of the political action, whether the political action or the political behavior in the organization was legitimate or illegitimate. First, we will see that where the political activity, whether it originates from within the organization. और फ्रॉम आउटसाइड यो ऑर्गेनाइजेशन अगर तो पोलिटिकल एक्टिविटी ओरिजिनेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से यानी उसका ताल्लुक बाहर से नहीं है अब आपके जहन में सवाल हो, होगा कि अंदर से कैसे ओरिजिनेट होती है और बाहर से उसका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है तो इसको यू कहेंगे कि अगर मैं वही आपको मिसाल दूंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग ईज योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर तो यूनियंस जो हैं या एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो ये खुद महसूस करती हैं कि उनको एक तब्दीली लानी है या उन्होंने ये डिमांड प्लेस करनी है कि उनकी वेजेस और सैलरी को बढ़ाया जाए और ये किसी बाहर के प्रेशर के बाहर की किसी फोर्स ने उनको मजबूर नहीं किया कि वो इस पॉइंट पर एजिटेट करें या इस पॉइंट को टॉप मैनेजमेंट के पास ले जाएं तो यूं कहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ओरिजिनेट हुआ है देखिए इसमें इस बात को ये समझना जरूरी है कि अगर तो चीजें पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ओरिजिनेट हो तो उसको बेहतर समझा जाता है अब यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि बाहर की चीजें ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज नहीं होती ये तो हमें मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन खा वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो एक सोसाइटी या एक इकानमी का हिस्सा होती हैं दे आर पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम अगर हम सिस्टम्स थियरी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें तो उन्हें उस सेंस में रिस्पोंड तो करना होता है वॉट एवर आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन यहां जिस चीज़ की बात हो रही है वो ये है कि आप जो क़ुत ऑर्गेना जो असरो रसूख आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बाहर से लेकर नहीं आ रहे हैं बल्कि आपका अपना असरो रसूख है यानी यूनियन का अपना असरो रसूख है वो ऐसा नहीं कर रही कि बाहर की किसी और ऑर्गेनाइजेशन से की यूनियंस को अपने साथ शामिल करके और गलत तरीके इस्तेमाल करे या एजुटेट करे

इन्फ्लुएंस कहाँ से है या डायरेक्शन ऑफ पावर कहाँ से फ्लो कर रहा है अब हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में वर्टिकली फ्लो कर सकता है लेटरली भी फ्लो कर सकता है तो इस चीज़ को सम इसमें कोई ये एक नेगेटिव पहलू है लेकिन सिर्फ समझने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर को ये चीज समझना ज़रूरी है कि यह इन्फ्लुएंस आ कहाँ से रहा है ये इन्फ्लुंस आ रहा है टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या साइडवेज हॉरिजॉन्टली या लेफ्टरली ये इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इट कुड बी अ गुड इन्फ्लुएंस इन बैड इन्फ्लुएंस बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स पीपल टेंड टू यूज देयर इन्फ्लुएंस चाहे अगर वर्कर्स की यही मिसाल में लू वही जो आपको दी के वर्कर्स की डिमांड है कि उन्होंने अपनी वेजेस को जो है इंक्रीज करना है तो वो मोबिलाइज कर सकती हैं टॉप मैनेजमेंट को मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पर और अपने ही हॉरिजॉन्टली जो उनका अपना लेवल है अपने अदारे के मुख्तलिफ को जो उसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको मोबालाइज कर सकते हैं तीसरी चीज जो देखने की है अहम है कि क्या ये जो इन्फ्लुएंस या पावर्स जो है जो इस्तेमाल हो रही है क्या यह लेजिटिमेट है या ये इल्लीगल है ये चीज बहुत अहम है कि अगर पावर को लीगली इस्तेमाल किया जाए तो उसके जो असरा होते हैं या उसका जो इस्तेमाल होता है वो आपके लिए अच्छा है इ पावर क्या है इ पावर यह है यही मिसाल कि आप वेजेस जो हैं आपने अपनी इंक्रीज करवानी है इसके बजाय कि आप एक जो तरीका कार है वेजेस अपनी डिमांड्स को मैनेजमेंट के सामने लिख के करने का या वर्बली उनसे निगोशिएट करने का आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये एंड मुमकिन है दिस इज ऑल लीगल दिस इज लेजीटिमेट बिकॉज दैट इज द लेजीटिमेट राइट ऑफ दी वर्कर टू डिमांड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन टू डिमांड फॉर बेटर वेजेज एंड सैलरीज दैट इज ए वेरी लेजीटिमेट राइट लेकिन इन लेजिटीमेट राइट क्या होगा इन लेजीटिमेट मीन्स जो है वो ये मीन्स है कि आप जो है उस पावर को गलत तरीके से बायफोर्स इस्तेमाल कर रहे हो यानी फोर्स किस तरह की हो सकती है फोर्स इस तरह की हो सकती है कि आप लेट्स uh, से uh, कहें कि हम काम नहीं करेंगे एक तरह कर, uh, एक तरीका तो ये हो सकता है कि यू से वी हैव ए पेंड डाउन स्ट्राइक और वी विल जस्ट स्टॉप एवरीबडी कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सट्रीम वे ऑफ यू नो पुटिंग योर डिमांड वुड बी डेट यू स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन आप चीजों को डैमेज करना शुरू कर दें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करें तो जहां पे फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल आ जाएगा वहां पे आप दीज देन बिकम इनलेजिटीमेट मीन्स ऑफ एग्जर्टिंग योर इन्फ्लुएंस सो एज ए मैनेजर इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर फ्रॉम विच दी चेंज और कॉन्फ्लिक्ट इज ओरिजिनेटिंग अगर ये मैनेजर्स जो हैं इस चीज को अच्छी तरह से आ, समझ लेंगे कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है कॉन्फ्लिक्ट से है और पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का है तो उनके लिए ये आसानी होगी कि वो उस चीज को बेहतर तौर पे मैनेज या कंट्रोल कर सकें अब तक जो हमने बात की है वो बात की है पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल की और हमने जो दिस इज द फोर्थ फिफ्थ स्कूल ऑफ थाट या यूं कह लें कि ये पांचवी थियरी है ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्पेक्टिव ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस आर इन दब्लिक सेक्टर और इन द प्राइवेट सेक्टर पावर इन पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इन इंटरप्ले इट इज ऑलवेज इन एक्शन नाउ जहां तक इसका जो हमने आज तक के पॉइंट्स कवर किए हैं वे पांचवा स्कूल ऑफ थॉट है और मैं इसके जब मैनेजमेंट साइंस जो है जब मैं इसके बारे में आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली बात करूंगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में जो एंड दैट इज अगेन द लेटेस्ट एंड द मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट द लेटेस्ट थियोरी इन द डिसिप्लिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट तो अब तक जो हमने बात की है वो पावर और पॉलिटिक्स की बात की है हमने पावर को डिफाइन किया हमने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया फिर हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिफाइन किया उसको एक्सप्लेन किया और अंडरस्टैंड किया कि कॉन्फ्लिक्ट के मनफी और मस्बत पहलू भी हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मैनेजमेंट साइंस के ऊपर बात करूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे जिस खत्ते में हम रहते हैं वहां पे मैनेजमेंट किस तरह से रही और क्या वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहां पर इस्तेमाल हुए या नहीं हुए तो उन, उसको हम अगेन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे टिल माई नेक्स्ट लेक्चर आई सी यू देन आई होप यू विल कंटिन्यू स्टडिंग योर सेल्फ एंड यू कीप योर सेल्फ अपडेट टिल देन अल्लाह हाफिज